हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सब लोगों को गुड मॉर्निंग है मेरे चैनल में माय लाइफ माय रूटीन में। हाँ जी जी, ये देखिए मेरे लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा रेडी हो गया है, मेरा फिनिश हो गया है। तो मैंने कहा चलिए आज फ्रेश बनाते हैं, और साथ में मैं इसमें 2 से 3 चम्मच में ऑयल की ऐड कर लूँगी। ये देखिए से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और हाँ जी, ये देखिए साला मैंने जैसे ग्राइंड करके मैंने चिकन डाल दिए, सूखा धनिया भी पीस के वो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ऐड कर दिए हैं, क्योंकि जब तक सूखे धनिया का टेस्ट ना हो तो खाने में खुशबू और वो टेस्ट नहीं आता। और ये देखिए जी, फ्रिज की फुल चेकिंग हो रही है, चीज़ें निकाल रहे हैं और रख रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रहे। क्या कर रहे हो? इतना इसको मैं कमरे में छोड़ के आती हूँ कि ये LED लगा के कार्टून वगैरह देख, मगर ये जनाब है कि नहीं जी, जा मामा वहाँ पे मोहम्मद तैमूर कहाँ लेकर जा रहे हो? गर्मी में ना पानी का इंटेक ज़्यादा रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, साथ साथ पानी पीजिए, साथ साथ अपना खाना बनाइए, और प्लीज़ किचन की लाजमी साथ साथ सफाई कीजिए। ये देख रहे होंगे आप रेड डिश, ये कैमरा फोकस कर दो, ये रेड इतनी जालम गरम आ गरम चीन पड़ गए सालम की, अस्तग़फ़िरुल्लाह। हम तो क्वींस हैं और हमारे लिए तो ये आम सी बात है, डेली जब तक 2 दिन चींटे ना पड़ने सालन का, सालन में वो टेस्ट जाता ही नहीं है। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह से कितना प्यारा नाइस कलर आया, और इसको मैंने भून लिया। इसमें सिर्फ नमक की थोड़ी कमी होगी, बाकी माशाल्लाह से कमाल का। ये देखिए ज़बरदस्त, अब इसका मैं नमक टेस्ट करूँगी ठीक है, और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और हरी मिर्ची वैसे मैंने ऐड कर दी है, और सिर्फ धनिया ऐड करूँगी तो मेरा खाना रेडी हो जाएगा माशाल्लाह माशाल्लाह से। और टाइम हो गया है 12:30 और मैं फ्री हो गई हूँ, अब मैं अपने बच्चों को टाइम दूँगी और साथ में आप लोगों को मैं कल वीडियो भी नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकी, उनके गेस्ट आ गए थे तो गेस्ट की भी वीडियो नहीं मैं बना सकी, क्योंकि समटाइम मुझे फील होता है कि ये ना हो किसी को कोई सामने ना आना चाहे कैमरे में। वैसे तो मैं किसी को भी नहीं अभी तक लेकर आई, लेकिन फिर भी कुछ गेस्ट को होता है कि मेरी टांगे भी ना हमारी आए, हमारे हाथ भी ना आए, कईयों को ये होता है। तो ये देखिए जी, इसके अंदर जो कलौंजी का छोटे छोटे वो बीज से आते हैं ना, मुझे वो बहुत पसंद है। और जैसे कि पक ये रेडी हो गया, अब मज़ीद इसको मैं नहीं भूनूंगी, इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी ताकि ये काला काला ना हो, जैसे रेडिश रेडिश सही रहे। ये देखिए जी, मैं ज़रा सा बाहर जाती हूँ और बच्चे क्या हाल करते हैं, वो पिलोस मुझ भी नीचे फेंक दिए हमें, अब मैं इसको जल्दी से झटपट ठीक करती हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए जी, बेड भी एकदम सेट हो गया, रेडी हो गया, अब मैं थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी, इधर आराम से मैं सुकून से लेटूँगी और थोड़ी सी अपनी सिस्टर से बातें करूँगी, वो उसका हाल चाल पूछूँगी उसके बच्चों का, और फिर आप लोग सोच रहे होंगे थी मौशी क्यों है, ये जंगजू कहाँ गए हैं मेरे,
वो जनाब ऊपर गई हैं, एक ऊपर जाता है दूसरा भी पीछे 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 ऊपर चला जाता है। तो मैंने कहा चलो आप लोग जाओ और मैं अपने जल्दी से काम फिनिश कर लूँ, नमाज़ का भी टाइम हो गया है तो इंशाल्लाह मैं नमाज़ पढ़ूँगी और फिर थोड़ी देर तक खाना खाऊँगी। तो आज तो मैंने कोई चटनी भी नहीं बनाई, कोई सलाद, कोई रायता, कुछ भी नहीं बनाया। आज सोच रही हूँ कि वो चिकन का सालन बना ज़रा शोरबे वाला, तो साथ में तड़के वाले चावल बनाऊँ। तो चलें मैं भी रात को बना लूँ बच्चों के लिए, क्योंकि कल शहर यार बोल रहा था मामा जी प्लीज़ चावल बना दें, तो चावल खाने हैं मैंने। तो वो तो बहुत लेट हो गया हुआ था, लेकिन आज सोच रही हूँ कि मैं तड़के वाले चावल बना लूँ नमकीन से, ओनली नमक ज़ीरा और रसो का धनिया डाल के, तो हैप्पी हो जाएगा खा के। तो इसी के साथ मेरी वीडियो का था एंड, इंशाल्लाह बाकी डे की रूटीन भी आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। अपना बहुत सा याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, टाटा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।